नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड विधानसभा में आज सीएम रघुवर दास ने बतौर वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। रघुवर दास लगातार चार बार बजट पेश करने वाले सूबे के पहले मुख्यमंत्री हैं। पिछले साल राज्य सरकार ने 75,673 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार रघुवर सरकार ने 80,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें गांव के विकास के साथ महिलाओं और युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। नया संकल्प, नया बजट, रघुवर दास का खुला पिटारा, 80,200 करोड़ का बजट पेश। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। 80,200 करोड़ का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कैम झारखंड को स्किल झारखंड बनाने का संकल्प ले चुकी है। युवाओं को शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर बजट की खास बातों का जिक्र करें तो बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आमदनी को दोगुना करना, युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और वंचितों के लिए योजनाओं पर फोकस, महिला सशक्तिकरण पर जोर, पिछड़े जिलों के विकास पर ध्यान देने पर जोर दिया गया है। वहीं बजट में पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक बजट में राजस्व व्यय के लिए 62,744 करोड़ 44 लाख रुपए रखे गए हैं। पूंजीगत व्यय के लिए 17,456.56 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट में राजकोषीय घाटा 7,494.45 करोड़ होने का अनुमान है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज प्रक्षेत्र के लिए सर्वाधिक 11,771.16 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा के लिए 11,181.49 करोड़ प्रस्तावित है। कृषि और जल संसाधन के लिए 6,421.64 करोड़ प्रस्तावित है। स्वास्थ्य के लिए 3,826.07 करोड़ प्रस्तावित है। नगर विकास और पेयजल के लिए 5,357 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में और 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। कुपोषण कम करने के लिए 400 गांवों में 4,800 पोषण गार्डन का होगा निर्माण। 5 शहरों में लघु कुटीर उद्योग हाट की स्थापना होगी। सीएम ने बजट पेश करने से पूर्व इसकी प्रति राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उराव और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन को सौंपी। इससे पहले सुबह सीएम रघुवर दास ने कचहरी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रांची से सनी शारद और मनीष मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश करने के दौरान रघुवर दास ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। झारखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है तथा उनके मार्गदर्शन में हम न्यू झारखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित है। योजना बनाओ अभियान, जनसंवाद संवाद, बजट पूर्व संगोष्ठियां, सखी मंडलों का सुदृढ़ीकरण, विसूत्री समितियों का पुनर्गठन, पंचायत सचिवालयों का गठन, वार्ड विकास समिति का गठन आदि कुछ ऐसे प्रयास हमने प्रारंभ किए जिससे जन जन की आवाज सुनी जा सके। डोबा निर्माण, दुधारू गांव की योजना, कृषि सिंगल विडो सिस्टम, कौशल विकास कार्यक्रम, जनवन योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रज्ञा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से हम सरकार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत झारखंड के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवारों का प्रति परिवार 2 लाख रुपये का बीमा होगा, जिनमें 1-2 नहीं बल्कि 980 छोटी बड़ी बीमारियां कवर होगी। झारखंड राज्य बनने के समय से 2015 तक राज्य में मात्र 3 चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत थे। विगत 2 वर्षों में पलामू, हजारीबाग एवं दुमका में नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 3 चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंध 500 सैया वाले अस्पतालों की स्वीकृति कुल 1,475 करोड़ रुपए की लागत पर दी गई है। शहीद ग्राम विकास योजना राज्य में पहली बार प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के वीर सपूतों के जन्मभूमि के समग्र विकास हेतु कार्य किया जा रहा है।
दिनांक 31 दिसंबर 2017 तक इन सभी ग्रामों को विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2014 में सिर्फ 38 लाख घरों में बिजली थी और 30 लाख से अधिक घरों में अंधेरा था। विगत 3 वर्षों में 8 लाख घरों में बिजली पहुंचा दी गई है और वर्ष 2018 की दीपावली तक से सभी घरों में। स्थानीय नीति के घोषणा के कारण इन नियुक्तियों में 95% से अधिक स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है। झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की स्मृति में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय की स्थापना धनबाद में नवंबर 2017 में की गई है। अध्यक्ष महोदय, 108 एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है जो 24 घंटे आपात परिस्थितियों के लिए 108 कॉल सेंटर से संचालित है। वर्ष 2014 तक 38,904 विद्यालयों में से मात्र 7,000 विद्यालयों में बेंच एवं डेस्क की व्यवस्था उपलब्ध थी, जिसे बढ़ाकर इन 3 वर्षों में 31,750 विद्यालयों में बेंच और डेस्क की उपलब्ध कराई गई। 20 बैच संपोषित 500 करोड़ की लागत से तेजस्विनी योजना तथा 1500 करोड़ की लागत से जोहार परियोजना की शुरुआत की गई है। राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं रोजगार सृजन निर्मित मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड का गठन किया गया है। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। 2014 तक 38,904 विद्यालयों में से मात्र 3,500 विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध थी, जिसे बढ़कर अभी तक 26,788 विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2014 तक 22,636 विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध थी, जिसे बढ़ाकर अब सभी 38,904 विद्यालयों में शौचालय की भूमिका। मुख्यमंत्री रघुवर दास के पिटारे से हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर निकला। बजट में किसान, महिला, युवा, बिजनेस कम्युनिटी और आदिवासियों के लिए भी बहुत कुछ खास निकला। एक नजर इस पर भी डालते हैं कि आखिर किसके लिए क्या कुछ मिला। सबसे पहले बजट में किसानों के लिए क्या था। साल 2018-19 में 5,807.64 करोड़ का कृषि बजट था, जबकि झारखंड में 100 कोल्ड स्टोरेज खोलने का भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने दिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, जबकि किसानों और मजदूरों की आकस्मिक मृत्यु पर मदद करने की बात कही गई है। आकस्मिक आपदा के लिए 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि देवघर, रांची, सिमडेगा में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रांची, देवघर, पलामू, साहेबगंज, गिरिडीह, जमशेदपुर में डेयरी प्लांट लगेगा, जबकि गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय, साहेबगंज में कृषि महाविद्यालय बनाने की बात कही गई है। 500 चेक डैम और 300 वेयर योजना का निर्माण भी करने की बात मुख्यमंत्री ने की है। बजट में महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो कौशल विकास योजना से युवाओं को लाभ होगा। जून 2018 तक 50,000 नियुक्तियों की घोषणा की गई है युवाओं के लिए। नए उद्योगों से 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार देने की बात की गई है, इससे युवाओं को सीधे लाभ मिलेगा, जबकि 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने की घोषणा भी सरकार ने की है। जिला मुख्यालयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की भी घोषणा सरकार ने की। बजट में आदिवासियों के लिए क्या है, हम आपको बताएं कि सरकार ने इनके लिए पेश किया है 46,503 करोड़ रुपए का बजट। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 20,326 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि पिछले साल की तुलना में 2300 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। आदिवासियों के लिए बजट में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 4,083.89 करोड़ आवंटित किए गए। जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति विकास अलग से बजट बनाने की बात भी कही गई। झारखंड सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 80,200 करोड़ के बजट में आपके जिले को क्या कुछ मिला, आप जरूर जानना चाहेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि आपके हिस्से क्या आया। पिछले वित्त वर्ष 75,673 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इस बार 2018-19 के लिए 80,200 करोड़ का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री के बजट के दौरान जिलावार घोषणाओं पर एक नजर डालें तो रांची में मोराबादी में विकास और सौंदर्यकरण का प्रस्ताव रखा गया है। वार्ड विकास केंद्र की स्थापना, सीसीटीवी प्रणाली से शहर को जोड़ा जाएगा। धनबाद में अर्बन हार्ट का निर्माण,
इंटर स्टेट टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की घोषणा। सीसीटीवी प्रणाली से जोड़ी जाएगी। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण शुरू होगा। रामगढ़, अगले शैक्षिक सत्र से नवोदय विद्यालय की स्थापना। कोडरमा, हजारीबाग, बड़काकाना पर रेल परिचालन शुरू। अर्बन हार्ट का निर्माण। इंटर स्टेट टर्मिनल बस और ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा। देवघर हवाई अड्डे के लिए भी 653.75 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी गई है। देवघर दुमका का परिचालन शुरू। कोडरमा तिलैया निर्माण पर रेल मंत्रालय की सहमति। कोडरमा गिरिडीह में से कोडरमा नावाडीह कांवड़ पर रेल सेवा शुरू। वर गिरिडीह पर भी रेल सेवा वित्तीय वर्ष 2018-19 में परिचालित कराने का लक्ष्य है। गोड्डा हंसडीहा के निर्माण पर भी रेलवे मंत्रालय की सहमति। सर्वे शुरू। रामगढ़, अर्बन हार्ट का निर्माण। जमशेदपुर महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया जाएगा। प्रेस भवन की स्थापना। सरायकेला जिले के छऊ महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा। बोकारो लुगुबुरु को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाएगा। खरसावा में पीपीपी मॉडल में सिल्क पार्क की स्थापना की जाएगी। गिरिडीह डेयरी प्लांट की स्थापना। कांवर गिरिडीह पर भी रेल सेवा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारंभ हो जाएगी। सिमडेगा फूलों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास। गोड्डा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। साहिबगंज कृषि महाविद्यालय की स्थापना। देवघर प्रेस भवन की स्थापना। चाईबासा प्रेस भवन की स्थापना। पलामू केंद्रीय विद्यालय की स्थापना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2018-19 का बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और 2014 में जनता के किए गए वायदों को वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम रघुवर दास ने 2018-19 का बजट पेश किया। न्यू झारखंड के संकल्प के साथ पेश किए गए बजट में इस बात की झलक साफ दिखी। खाकर राज्य के आदिवासी गरीब और सबका साथ सबका विकास सोच के साथ किया गया। न्यू झारखंड की भी परिकल्पना राज्य सरकार की है कि 2018-19 का बजट न्यू झारखंड का बजट है। ग्रामीण झारखंड को समृद्ध करने की तरफ भी सीएम ने जोर दिया। उन्होंने सरकार और जनता की सहभागिता की धुरी तैयार करने पर बल दिया। गांव में गरीबी के कारण हमारे गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ पाते। भगवान ने उसे भी बुद्धि दी और उस बुद्धि का हम कौशल विकास के साथ हुनर देकर उनको अपने पैर पर खड़ा किया। देश का 2% कसर हमारे झारखंड में। हस्तशिल्प में भी हमारी झारखंड की जो बहनें हैं, हमारे भाई हैं। अशिक्षा के अभिशाप से किसी की जिंदगी की रफ्तार कम ना हो, इसका भी सरकार ने ख्याल रखा। आज के इस युग में पढ़ाई के साथ साथ डिग्री के साथ साथ हाथ में हुनर भी चाहिए और इसलिए इन आदिवासी क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ताकि हमारे आदिवासी जनजाति समाज के नौजवान युवतियां स्किल पाकर रोजगार या स्वरोजगार कर सके। सीएम ने स्किल डेवलपमेंट को लेकर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना को बड़ी कामयाबी बताया है, जिसमें राज्य के हुनरमंदों को हौसलों की उड़ान मिल रही है। हमारी सरकार 2022 तक इस झारखंड से गरीबी को समाप्त करने का संकल्प है। तो गरीबी उन्मूलन करने के लिए ग्रामीण विकास हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने बजट पेश करने के बाद सुकून महसूस किया। सुकून इस बात का कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता के विकास को लेकर वो बेहतर बजट का खाका तैयार करने में सफल रहे। खासकर 24% वैसी आबादी जो राज्य में सरकार की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही है। गरीब है 24% 26% 24% सरकार की फोकस।
क्योंकि लोकतंत्र का एक चौथा पसवन 26% लोग ही सरकार बनाने और गिराने का है। तीन वर्ग को विशेष फोकस करके चारों स्तंभ के साथ साथ एक गरीब भी समाज की बराबरी में आए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता। सीएम ने बजट के साथ साथ एक बड़ी बात जो कही वो है सामाजिक बुराई, जिसकी वजह से राज्य की आधी आबादी प्रभावित होती है। पूरे राज्य में मालकिन बन के गवर्नेंस महसूस करें, ऐसे भी पूरी महिला ही परिवार चलाती, और परिवार चलाने के बाद भी अगर हम देखें झारखंड में तो खेती का बुनाई कटाई बकरी पालन, अगर हमारे तो कुमार बहन है तो चक्का जरूर कुमार चलाता है, लेकिन हमारी बहन मिट्टी सामने करता है। तीन महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्तिकरण करता। कुल मिलाकर ये बजट जनता से सरकार का संकल्प और सरकार का मजबूत गठजोड़ दिखाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सीएम के न्यू झारखंड के सपनों को पूरा करने में सफल रहेगा। कुमार चंदन और सनी शारद के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। सरकार एक तरफ जहां बजट को आम आदमी का बजट बता रही है, गांव और ग्रामीण इलाकों का बजट बता रही है, तो विपक्ष बजट को झूठ का पुलिंदा और बिना आत्मा का बजट कह रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट में कृषि से लेकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों पर जोर है, लेकिन विपक्ष इससे मुतमईन नहीं है। विपक्ष ने पिछले वित्तीय वर्ष में आधी ही राशि खर्च होने के बावजूद इस बार बजट के आकार को बढ़ाने पर सवाल खड़ा किया है। वहीं बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ न होने को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। कुल मिलाकर विपक्ष बजट को पूरी तरह से खोखला और हकीकत से परे बताया है। बजट सदन में मुख्यतः कर प्रणाली को के लिए लाया जाता है, किसको कर मुक्त करना है, कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ घटाना है, कहाँ बढ़ाना है, इन सब को लेकर। लेकिन जब से देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद कुल मिला के कहा जाए तो बजट का जो मूल आत्मा है वही निकाल लिया गया है। जो कर्जा पहले से ही 72,000 करोड़ इस राज्य में है वह बढ़कर के और अधिक होगा, पूरा राज्य कर्जे से दबेगा और किसी चीज पर लक्षित नहीं है, कोई फोकस नहीं है, दिशाहीन है, न गांव पर लक्षित है, न शहर पर है, न रोजगार पर है, घिसा पीटा बजट है, कोई नयापन नहीं है। देखिए ये तो आप उन लोगों का है अपना सवाल पैदा कर रहे हैं, लेकिन आज जो बजट जो पेश किया गया है निश्चित तौर पर निराशाजनक बजट है। बजट में कोई नई बात हम लोग को देखने नहीं मिला। पूर्व में जो बजट पेश किया गया कोई लाभ झारखंडवासी को नहीं मिला। वहीं सरकार बजट को संतुलित बता रही है। सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि बजट की राशि बड़ी है तो सूबे की तस्वीर भी बदलेगी। नया प्रयोग हो रहा है, प्रयोग के सामने कठिनाइयां भी आती हैं, और ये बजट को हमको देखना चाहिए कि नोटबंदी जीएसटी ये सबको साधते हुए ये बजट दिया गया है। ये बजट एक तरह से प्रयोग का बजट है। एक प्रकार का जो है बजट में अमाउंट भी बढ़ाया गया है काफी अच्छा, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जब हम विकास की बात करते हैं तो शिक्षा को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि शिक्षा को हम और बढ़ावा देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी और साथ में संस्कारी शिक्षा के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर साल बजट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये तकरार तो आम है, लेकिन सरकार ने बजट में जो घोषणा की है अगर उसे पूरा कर लिया जाता है तो विपक्ष की आपत्तियां खुद ब खुद दरकिनार हो जाएंगी। रांची से सनी शरद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड विधानसभा का नाम वैसे तो कई बार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, कभी सदन के टेबल पर खड़े होकर कुर्सियां उछालने को लेकर, कभी सदन में हाथ में जूता लहराने को लेकर। आज एक बार फिर से सदन के भीतर कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से आज के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। सदन में विपक्ष के कुछ विधायक काला नकाब लगाकर पहुंचे, जिससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने नकाब लगाने वाले सदस्यों को पूरे दिन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। झारखंड विधानसभा ने एक और इतिहास रचा जब जेएमएम के विधायक चेहरे पर काले रंग का नकाब लगाकर विरोध जताने सदन में पहुंच गए, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। इस पर नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने
सर्वसम्मति से नकाब पहनने वाले सभी विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। अब चौक चौराहे पर जिस तरह से अपनी आवाज उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सदन को भी हम उसका मंच बनाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि सदन में और सड़क में कोई अंतर रह जाएगा, इसलिए सड़क के विरोध का तरीका अलग और सदन के विरोध का तरीका संसदीय मर्यादा के अनुकूल ये हो और इस पर विपक्ष भी सोचे, इसलिए ही आज की कार्रवाई। वही विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सभी विपक्षी विधायक बजट पेश होने से पहले ही बाहर आ गए। अब ऐसा नहीं है, हमको तो नहीं लगता है कि लोगों ने काला पट्टी लगा करके काला ये करके विरोध नहीं किया सदन में। और भी संसदीय व्यवस्था में ये हुआ है, जो हमारे माने विधायकगण, जो हमारे सीनियर विधायकगण हैं, उन लोगों ने इस बात को पुष्टि की है। देखिए, निलंबन जिनको करना था सरकार ने उनको नहीं किया, उनके बजाय निलंबन विधायकों को कर दिया। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का विरोध, सांकेतिक विरोध तो विधानसभाओं में होते रहा है, लेकिन इस विरोध को दबाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्ट पदाधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के निर्णय से उन भ्रष्ट पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, लोकतंत्र की आवाज दबेगी। इस निर्णय पर सरकार को विचार करना चाहिए। और चेहरे पर काला नकाब लगाने वाले विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन के लिए निलंबित तो कर दिया, लेकिन विपक्ष के तेवर को देखते हुए लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी मानने वाले हैं। रांची से सन्नी शरद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के बजट में देवघर के लिए इंटर स्टेट बस टर्मिनल की घोषणा के बाद देवघर के लोगों में जबरदस्त खुशी है। तो जितने भी यात्री लोग आते हैं उनको कितनी सुविधा हो जाएगी, यहाँ से आवागमन की कितनी सुविधा हो जाएगी, और इस सांस्कृतिक नगरी के लिए और बाबा नगरी के लिए खास करके जहाँ पर यात्रियों का लाखों करोड़ों में आवागमन सालों में होता है, उसके लिए बस टर्मिनल बहुत ही जरूरी है और सरकार ने ये सराहनीय कदम उठाया है। देवघर वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय जगह है और देश भर के श्रद्धालु जब जिस शहर से जुड़े हों, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि लोगों के आने जाने में सुगमता हो और बहुत कम पैसे में लोग आ जा सकें। लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्रीक्वेंसी को और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लगातार बढ़ाया जाना चाहिए और एक अवसर प्रदान किया है सरकार ने। इतनी ज्यादा यात्री आती है, उन लोगों को उससे सुविधा मिलेगी और क्या बताऊँ, मुख्य बात यह है कि इससे सुविधा मिलेगी और खुलना चाहिए यहाँ की यात्री को ध्यान में रखकर। वक्त ब्रेक के बाद बात बढ़ते झारखंड की, तो रघुवर सरकार के कार्यकाल में राज्य में चौतरफा विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास का सपना है कि हर शहर में हर सुविधा हो, इसी के तहत बोकारो में मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रघुवर सरकार की पहल से बदल रही है बोकारो की तस्वीर, पूरा हो रहा है जनता का वादा। मेडिकल हब की राह पर बोकारो, बोकारो की पहचान स्टील सिटी के तौर पर है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब बोकारो को लोग मेडिकल हब के तौर पर भी जानने लगेंगे। रघुवर सरकार ने इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी है। हर आदमी तक कारगर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लक्ष्य पर मुख्यमंत्री रघुवर दास काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बोकारो के सेक्टर 5 में मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ा तोहफा यहां के लोगों को दिया है। उन्होंने जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक कैंसर अस्पताल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव रखी। 3 मेडिकल कॉलेज कोडरमा, चाईबासा एंड बोकारो, ये सब सारा प्रधानमंत्री जी के हाथ। तो आप बोले थे कब शिलान्यास करने वाले, ये जो इतने फास्ट काम हुए यार, एक बार भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। देश का झारखंड पहला राज्य है जो 10 महीने के अंदर, गुजरात भी 10 महीने के अंदर नहीं पंजीकृत होगा। सिर्फ सरकारी अस्पताल ही बोकारो में नहीं लग रहे, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की भी नींव रखी गई है। अब बोकारो के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों
और अस्पताल के निर्माण से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी सेटअप हो रहा है, उसका शिलान्यास हो गया है, जिसके फाउंडर पीछे बैठे हुए हैं। तीसरा, मेडिकल हब के रूप में बोकारो को विकसित किया जा रहा है, इसीलिए 3 एकड़ जमीन बियाडा के द्वारा दे दी जा चुकी है, जिसका शिलान्यास पहले ग्राउंड ब्रेकिंग में किया गया था। और उस दौरान 150 बेडेड हॉस्पिटल कैंसर स्पेशलिटी सिर्फ कैंसर रोगों के लिए ही सेटअप किया गया है। दूसरा, बियाडा ने 3 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है चास मेन रोड पे, जो 150 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी किया जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बियाडा के द्वारा निकाला है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उसी सपने को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने बोकारो में यह पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे जी बिहार झारखंड की मुहिम की। तो जी बिहार झारखंड की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जी मीडिया की एलईडी वैन दुमका के सिद्धू कान्हू चौक पहुंची। यहां पर दुमका नगर पार्षद के अध्यक्ष और विमेन इंपावरमेंट संगठन के सचिव सिंहासनी सिन्हा, रेड क्रॉस के सचिव मनोज घोष के साथ कई लोगों ने जी मीडिया की मुहिम की तारीफ की। सभी मेहमानों ने जी बिहार झारखंड की मुहिम के शपथ पत्र को ऑनलाइन भरा और ऑफलाइन भी कई लोगों ने संकल्प लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में